Hey guys, welcome to channel Exam Kadda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो guys, जैसे कि आपने notification देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप Telegram जो channel है हमारा उसमें देख सकते हैं, मैंने share किया है. Notice जो है वो है regarding उत्तराखंड निर्वाचन आयोग में समीक्षा अधिकारी यानी कि review officer के पदों के लिए जो आज जारी हुआ है, जिसका form start हो गया है. आप इसका form भर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले जो इसमें पद हैं, आई थिंक वो उसको देखकर एक हंसी सी आ रही है कि इतनी बड़ी भर्ती निकालने की ज़रूरत क्या थी सरकार को. जो पद हैं उसके अंदर दो पद हैं, ठीक है, और अभी फिलहाल जो आर ओ का एग्ज़ाम हुआ है या तो उसमें ऐड कर सकते थे उन पदों को, या फिर जो आने वाली है आर ओ के लिए जो अध्याचन भेजा जा रहा है उसमें भी ऐड कर सकते थे. तो ये अलग से दो पद निकालने का मसला समझ में नहीं आया. तो मुझे तो सीधे सीधे डायरेक्ट यही लग रहा है कि सरकार को फंड की ज़रूरत है. अब इसमें 1-2 लाख बच्चे कम से कम फॉर्म डालेंगे. उत्तराखंड में एवरेज यही रहता है 1.5-2 लाख का, या लाख तक जो बड़ी परीक्षा है उसमें लाख तक रहता है. तो इतने बच्चों से ये पैसे लेंगे. अब वो भर्ती भी चलती रहेगी, कोई उसका अभी तो होना नहीं है कुछ. अभी तो केवल फॉर्म ही निकला है, फिर न जाने कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा और कब उसकी ज्वाइनिंग होगी. एक 1-1.5 साल तो खींच ही लेंगे कम से कम. तो इस बात का कोई औचित्य नज़र नहीं आ रहा है कि ये दो पद क्यों निकाले गए. या तो आप जो भर्ती अभी चल रही है जिसका प्री हुआ है, मेंस अभी हुआ भी नहीं है, उसमें ऐड कर सकते थे. और उसमें ऐड नहीं करना था तो आप इस भर्ती को आने वाली भर्ती में भी ऐड कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, न जाने क्यों. अच्छा, सब कुछ सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, सिंपल ग्रेजुएशन है, ऐसा भी नहीं कुछ जो है स्पेशल क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगी गई हो. तो सिंपल ग्रेजुएशन है, साथ ही जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी सेम है. यानी कि प्री में आपके 150 मार्क्स का पेपर होगा, देन उसके बाद आपका एक GS का ऑप्शनल पेपर होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला, फिर हिंदी का और एक निबंध का. तो सेम वैसा ही पैटर्न है जैसा उसके अंदर है. हाँ, थोड़ा सा एक सिलेबस जो पिछला आर हुआ उसमें और इसमें एक चेंज दिखाई दिया. जैसे प्री में वहाँ पर डिवाइड कर दिया था कि 100 नंबर की GS है और 50 नंबर की रीजनिंग है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है. इसमें PCS जैसा ही लिखा है कि 150 में आपकी GS, रीजनिंग सभी चीज़ आएगी. तो अब ये कह पाना मुश्किल होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन कितने होंगे. मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इसमें आपको 20 के आसपास लगभग, एक दो ऊपर नीचे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं रीजनिंग के, बाकी सारी की सारी GS होगी. अब GS में भी आई थिंक 40% पार्ट तो जो होगा वो उत्तराखंड का ही होगा, ठीक है. तो बाकी अगर आप इच्छुक हैं इस भर्ती के लिए तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर UPSC की. हाँ, एक और सवाल जो बार बार मुझसे सभी लोग पूछते हैं कि इसमें दूसरे राज्य के लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं. इसमें दूसरे राज्य के जो भी एस्पिरेंट है वो इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है. केवल और केवल उत्तराखंड राज्य, या फिर जो जिन्होंने 10th और 12th उत्तराखंड से किया है, या फिर उनके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सरकारी पद पर कार्य कर रहे हैं, उनके बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर उनकी वाइफ इस फॉर्म को फिल कर सकती है, ठीक है. बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को इन्हेंस करेंगे. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत.